हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और उसमें कितने टाइप के नंबर होते हैं और उसको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट मिला हो, सपोज आपको गिवन है 1.125 और आपसे कहा है कि आप इसको बाइनरी कन्वर्ट करिए, या आपको दिया है बाइनरी में 111.111 और उसको कहा है डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो उसको कैसे करेंगे, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 34.125, ये इसका बेस 10 गिवन है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं 34 और 0.125। 34 को हम लोग बाइनरी में तोड़ेंगे, क्या आएगा 17 8 4 2 1 0 1 0 0 0। तोड़ने पर जो आया वो आपका आया 1 0 0 0 1 0। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए 0.125 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 0.250। यहां से डालेंगे 0 और फिर 0.250 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आएगा 0.50। इसका फिर लेंगे 0 और फिर 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आएगा 1.00, इसका लेंगे 1, तो यहां से हमें मिला 001। तो अब इस नंबर को अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बेस रहेगा 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.425 बेस 10, उसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले 25 को हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज करने के बाद जो आपको बाइनरी नंबर मिला वो है 11001। अब देखते हैं 0.425 को कैसे हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में। इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपका आएगा 0.850, इससे हम लोग लेंगे 0.85 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.70। यहां से हम लोग 1 लेंगे, फिर 0.70 को फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1.40, इसका हम लोग लेंगे 1, फिर 0.40 को फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.80, इससे हम लोग लेंगे 0, 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 1.60, इससे हम लोग लेंगे 1। इसके बाद और हम लोग कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग देखिए क्या आया हमारे पास, ये आया 01101। तो फाइनल जो हम लोग को बाइनरी नंबर मिला वो हम लोग को मिला 11001.01101 बेस 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.625 बेस 10, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, चलिए देखते हैं वही चीज करते हैं। 13 लिखा, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसको
का बाइनरी निकालते हैं, इसका जो बाइनरी नंबर आया वो आया 1101। अब देखते हैं 0.625 को, 0.625 हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपका आएगा 1.25, इससे हम लोग लेंगे 1, फिर देखेंगे 0.25 इंटू 2, यह आएगा आपका 0.50, इससे लेंगे 0, फिर लिखेंगे 0.50 इंटू 2, यहाँ लिखेंगे 1.00, यहाँ से लेंगे 1। इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को लास्ट में वन लाना होता है। तो अब देखिए हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 101। फाइनल नंबर जो हमारा बना बाइनरी में वो है 1101.101 बेस में 2। तो देखा आपने इतना इजी था ये कन्वर्जन, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चंस आपके इजीली सही होंगे और फुल मार्क्स आपको दिलाएंगे। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग को नंबर गिवन है 1010.0101 बेस 2 और इसको कन्वर्ट करने कह रहा है बेस 10 में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि 1010 को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, अगर नहीं देखा तो अभी आप देख लीजिए, वैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले जो 1 लिखा है इसको 2 की पावर 0 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे 2 की पावर 4। 1 into 2 की पावर 0 means 1, प्लस करेंगे 0 into 2 की पावर 1 ये आएगा 0, फिर प्लस करेंगे 1 into 2 की पावर 2 means 4, प्लस करेंगे 0 into 2 की पावर 3 means 0 और 1 into 2 की पावर 4 means 16। इसको टोटल ऐड होने पे ये आएगा 16 plus 4 20 और 1 21। अब देखते हैं कि 0.0101 इसको हम लोग डेसिमल में कैसे करेंगे। इसको करना ही बहुत आसान है, बस देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हो उसके नीचे 2 की पावर -1 लिख लीजिए, उसके नेक्स्ट नंबर नीचे 2 की पावर -2, उसके नेक्स्ट वाले नीचे 2 की पावर -3 और उसके नेक्स्ट के नीचे 2 की पावर -4। जैसा कि आपने इसमें किया था आप सबको ऐड करते जाइए, 2 की पावर -1 इंटू आपका 0 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -4 इंटू 1 मीन्स आपका आएगा 0 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 1/16। आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा आपका 16, तो आपका आएगा 5 by 16। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 16 को 5 से अगर करें पॉइंट आया 0 3 48 201। तो ये आएगा आपका 0.312। तो फाइनल जो हम लोग को नंबर मिलेगा वो होगा 21.312 बेस 10। तो नेक्स्ट नंबर जो हम लोग को गिवन है वो है 11011.10110 बेस 2। इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 10 में, तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 11011, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 1 into 2 की पावर 0 means 1, प्लस लगाया 1 into 2 की पावर 1 means 2, प्लस 0 into 2 की पावर 2 means 0, प्लस 1 into 2 की पावर 3 means 8, प्लस 1 into 2 की पावर 4 means 16। इसको ऐड करेंगे 16 plus 8 24
प्लस टू 26 प्लस 1 27। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, वो है आपका 0.10110। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 4 और 2 की पावर माइनस 5। तो 1 × 2 की पावर माइनस 1 ये आएगा आपका 2 की पावर माइनस 1, प्लस 0 × 2 की पावर माइनस 2 ये आएगा आपका 0, प्लस 1 × 2 की पावर माइनस 3 आएगा आपका 2 की पावर माइनस 3, प्लस 1 × 2 की पावर माइनस 4 आएगा 2 की पावर माइनस 4, प्लस 0 × 2 की पावर माइनस 5 आएगा 0। इसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 16 8 प्लस 2 प्लस 1 यह आएगा आपका 11/16। अब 11/16 को हम लोग डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 16 6 होता है आपका 96, यह आपका आया 14, 8 आपका होगा 128, यहां बचेगा 12, 0 लगाया, 16 6 है 96, 16 7 आपका होता है 112। तो यहां से हमें जो नंबर मिला वो है आपका 11/16 की वैल्यू जो आई वो है 0.687। तो फाइनली जो हमें नंबर मिला वो हमें मिला 27.687/10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 111.111। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 111 लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 0 आया 1, प्लस यहाँ पे आएगा 2 प्लस 4, 4 + 2 + 1 = 7। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 0.111, 1 के नीचे लिखेंगे 2 की पावर माइनस 1, ये लिखेंगे 2 की पावर माइनस 2, उसके बाद लिखेंगे 2 की पावर माइनस 3, 1 × 2 की पावर माइनस 1 आएगा 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 की पावर माइनस 3। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम आएगा 8 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे आएगा आपका 7/8। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट आया 8 × 64 6 7 × 56 5 × 40। तो इसकी वैल्यू हुई आपकी 0.875। तो फाइनली जो हमें नंबर मिला वो मिला 7.875/10। तो देखा आपने कितना आसान था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो का फायदा उठाएं। गुड बाय।